नमस्कार, मैं दीपक शाह, टाइम विटनेस न्यूज से। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता पंकज मैसोन। आइए जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि जिस प्रकार जीएसटी को लेकर के व्यापारियों में खासा रोष देखा जा रहा है, तो क्या समझते हैं पंकज जी, आप बताएं। बिल्कुल, आज जीएसटी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रोष है हमारे व्यापारियों के अंदर, क्योंकि जो भी देखो आप, साल भर के अंदर पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, और जीएसटी की बिना तैयारी करे जो सरकार ने हमारे ऊपर ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स थोप दिया है, जिसे गुड्स एंड सर्विस, हम तो इसे, हमारे राहुल गांधी जी ने तो इसे गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया। क्योंकि आप ये देखिए, आज व्यापारी वर्ग इतना ज़्यादा आहत है कि ना तो वो अपनी जीएसटी की फाइलिंग कर पा रहा है, जो उसे जा करके इंटरनेट पे करना है उस पर उसके पास कोई वो नहीं है। अभी हम पीछे प्रकाश पंत जी से भी मिले थे इस बारे में, व्यापारियों के संबंध उसमें, तो देखो 10 से 20 लाख रुपए, जहाँ 10 लाख रुपए की लिमिट थी उसको 10 से 20 कराने के लिए बोला, तो यानी उनके अंदर कुछ त्रुटियाँ हैं जो वो चीज़ें जब व्यापारी वर्ग जाता है, मिलता है, तो उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। वो इतनी ज़्यादा दिक्कतें व्यापारी को इस समय आ रही है बाज़ार के अंदर कि ना तो कस्टमर इस बात को समझ पा रहा है और ना ही व्यापारी इस बात को बता पा रहा है कि वो किस तरीके से काम करे, क्योंकि पिछला भी सामान व्यापारियों के पास है जो वैट के समय में था, और कुछ सामान अब नया जो आ रहा है उसका भी है। तो लेकिन अब समय इस प्रकार का आ चुका है कि बहुत ज़्यादा रोष आपको देखने को मिलेगा व्यापारियों के अंदर। अगर आप एक बाज़ार का भी सर्वे करेंगे तो आज आपने देखा कि जैसे भाजपा ने रैली नहीं भी निकाली, मैं देख रहा था बाज़ार में, तो उसमें भी आपने देखा कोई खासा उत्साह नहीं था, चंद लोग ही थे उसके अंदर भी। तो अब आने वाला समय मेरे हिसाब से तो भाजपा का बहुत ज़्यादा बुरा ही है। पंकज जी, इसको व्यापारियों पर और जनता पर दोहरी मार का एक नाम दिया गया है, तो क्या समझते हैं कि इसे ये दोहरी मार किस तरीके की होगी? ये दोहरी मार तो देखो पड़ेगी ना, नोटबंदी भी आ गई और जीएसटी भी आ गई, ये तो दोनों तरफ से आपको देख लो दोहरी मार पड़ी है व्यापारियों के ऊपर। अब व्यापारियों के यहाँ काम नहीं है, परेशान हो रखे हैं व्यापारी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बाज़ार में जैसे अभी दीपावली गई है तो दीपावली पे भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं था, पिछले वर्षों से हिसाब से 40-50% मतलब मैं तो यहाँ तक सुना कई व्यापारियों से 70% काम नहीं था, 30% काम था सिर्फ। तो इस तरह से अगर होगा तो किस तरीके से व्यापारी अपनी रोजी रोटी, जो छोटा व्यापारी सवेरे 10:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक काम करता है, उसके बाद बड़ी टैक्स भी देता है गवर्नमेंट को, सब कुछ करता है, उसके बाद भी वो एक अपने आप को ये कहलवाता है कि वो एक काला धन उसके पास है। जैसा कि आज मैं रैली में भी देख रहा था एक नारा कि ये जो इन्होंने 8 नवंबर को दिन नोटबंदी वाला वो किया था, तो उसमें काला धन वाले परेशान हो गए। यानी आप, इन लोगों का कहना ये है कि जो छोटा व्यापारी वर्ग है, जो मंझोला दुकानदार है, जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, वो काला धन का कारोबार वो करता है, वो भ्रष्टाचार फैला रहा है। मैं सुनाई में यह भी आया है कि अब तक इस जीएसटी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, व्यापारियों और अधिकारियों में तक असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, किस तरीके की यह असमंजस की स्थिति आप समझते हैं? बिल्कुल, अधिकारियों में भी असमंजस की स्थिति है और व्यापारियों में भी है। अभी अगर हमने एक दो मीटिंग्स भी करी है जीएसटी के अधिकारियों के साथ अपने व्यापार मंडल के बैनर में, तो वो भी लोग हमको पूरी तरह से नहीं समझा पा रहे कि जीएसटी किस तरीके से और किस पर्पज से, वो खुद ही उस बात पर मानते हैं कि सरकार ने जो जीएसटी लागू करी है पूरी तैयारी से नहीं करी है। अगर आप ये देखें ना कि आप एक तरफ जीएसटी को लागू करना चाह रहे हैं, मतलब लागू कर दिया आपने, और एक तरफ से आपने पूरी तैयारी नहीं करी कि किसी भी, अब आप देखो काजू के ऊपर 5% लगा रखा, तो बादाम के ऊपर 6% है। अब आप जो एक दुकानदार काजू भी रखेगा बादाम भी रखेगा, वो डब्बे में जब पैकिंग करेगा उसको किस तरह से डिफाइन करेगा? अच्छा, जो उसकी पैकिंग का मटेरियल डब्बा है, उस डब्बे पे आप देखो कि 28% है। ऐसे ही आप ज्वेलरी लाइन में आ जाओ, ज्वेलरी लाइन में भी डब्बे की पैकिंग की 28% है और वैसे 3% दिया है इन लोगों ने। तो ऐसे कई सारे ट्रेड है, दाल सब्जी, दाल होगी और रोज़मर्रा की कितनी आइटमें हैं इन सब के ऊपर जो इन्होंने जो टैक्स वगैरह लागू करे हैं, तो इसकी कोई एक दर होनी चाहिए थी कि भाई जैसे आप एक दुकानदार के पास 10 आइटमें हैं, तो उन 10 आइटमों की दर को जिस तरीके से बननी है कि भाई 2.5%, 3%, उसी के साथ पैकिंग में, तो ये सब चीज़ें तब तो लागू सही हो जाता। लेकिन इस प्रकार से इन्होंने कुछ करा दी। अच्छा, जीएसटी को लाने में इन्होंने विदेशों की तर्ज पर जीएसटी को लाने की कोशिश तो करी, ले भी आए, लेकिन उस तर्ज पर इन्होंने कोई हमें मेडिकल सुविधा दे दी व्यापारियों को? जैसे विदेशों में है, आप विदेशों में देखिए, बाहर अगर आप उनके ऊपर जीएसटी है वो टैक्स देते हैं, तो कम से कम उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती है,
कम से कम उनका मेडिकल का खर्चा, अगर कोई घर में बीमार है कुछ है मेडिकल का खर्चा तो वो भी सरकार उठाती है वहाँ पर। यहाँ इन्होंने क्या करा, यहाँ तो उल्टा ये तो व्यापारियों के ऊपर और उत्पीड़न करने का काम करा इन लोगों ने। इन्होंने कोई GST लगा के व्यापारियों वर्ग का या ग्राहकों का, पहले तो ग्राहकों को भी समझ नहीं आया, सब लोगों ने यही सोचा GST लग गया नोटबंदी होगी मतलब बहुत बढ़िया काम कर दिया सरकार ने। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि वो सब जितनी मार GST की पड़ी वो गरीब आदमी की जेब पे पड़ रही है। पंकज जी, प्रश्न हमारा एक और आपसे ये होगा कि 8 नवंबर पिछले वर्ष को नोटबंदी की गई थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, और जिसको कांग्रेस कल 8 नवंबर को नोटबंदी की वर्षी के रूप में मना रही है, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे कांग्रेस के इस दिन और क्या कुछ संदेश जनता तक पहुंचाना चाहेगी कांग्रेस? देखिए, जो कल 8 नवंबर को काला दिवस मनाया जा रहा है वो इस तर्ज पर मनाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि देखिए जो 8 नवंबर को रात 8:30 बजे मोदी जी पर्दे के पीछे से बाहर आकर के बयान देते हैं कि सारे भारत के 1,500 के नोट बंद। अब आप ये देखिए कि उस दिन अचानक से इस तरह का काम करने से कितने लोग घरों में, सवेरे आपने देखा होगा, अगले दिन रात को ही अफरा तफरी मच गई थी खैर, पर लेकिन सवेरे आपने देखा होगा कैसे लोगों ने लाइनों में भूख के प्यासे सवेरे 10 बजे से 8-8 बजे से लोग लाइनों में लग गए अपने नोट बदलने के लिए, और कहीं लोगों की उसमें जाने भी गई हैं। तो अब आपने ये देखा कि नोटबंदी से आज उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि GDP गिरेगी, और आज आपने ये भी देख लिया कि सरकार जो भारत की GDP है वो कितनी डाउन आ चुकी है। तो इससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, इससे तो उल्टा नुकसान हुआ। जो लोगों की मतलब ऐसा फैसला प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया कि जिसमें लोगों की जान माल का भी नुकसान हुआ, जबकि ऐसा जो प्रधानमंत्री है उसको ये सोच विचार करके कोई भी फैसला नहीं, क्योंकि वो पूरे भारत देश के हित के लिए और अहित के लिए फैसला होता है जो भी उनकी बात, जो भी वो रखते अपनी बात आकर। तो इस विषय में जैसे उन्होंने नोटबंदी का किया, तो आज एक साल हो गया है, आज एक साल में जैसे ग्रोथ भी कम हो गई है और क्या नाम है, हर वर्ग परेशान है, मतलब कि क्योंकि कोई काम कहीं तो नौकरियां दो जैसे नौकरियों की मैंने बता रहा हूँ आपको 5-6 करोड़ लोगों की नौकरियां भी जा चुकी है इस एक साल के अंदर सिर्फ किस कारण, नोटबंदी के। तो इसलिए कांग्रेस इसको काले दिवस के रूप में मनाना जाएगी और जन भावनाओं को इस तर्ज पर रखेगी कि उनकी जो जिन लोगों के परिवारों में जाने गई है ऐसी की, उन लोगों के लिए एक सहानुभूति के रूप में, और साथ में ही जो सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया जो कि मतलब लोक हित में नहीं था, उसके लिए उस स्वरूप में कि काला दिवस मनाएगी कांग्रेस कल। तो देखा आपने कि हमारे साथ युवा नेता कांग्रेस के पंकज मैसोन थे, जिनका कहना साफ तौर पर यह है कि इस GST को लेकर के व्यापारी वर्ग खासा परेशान है तथा यह मांग करता है कि अगर GST को लागू किया भी है तो उस तर्ज पर, विदेशों की तर्ज पर व्यापारी वर्ग को सुविधाएं भी दी जाए।